रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। मैं पुनः तुम्हें स्मरण करा दूं, आज भी मैं अपना वचन निभाऊंगा। एकाकी युद्ध करूंगा तुमसे, और यदि मेरे और हनुमान के पांव तनिक भी पीछे हटे, मैं उसी समय अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे या तुम्हारे वानर के पग पीछे हटे या ना हटे वनवासी, परंतु रावण के रूप में तुम्हारी मृत्यु के पग अवश्य तुम्हारी ओर बढ़ चुके हैं वनवासी। जिन्हें तुम वनवासी कह रहे हो, उनके और उन्हीं योद्धाओं के हाथों तुम्हारे भाई बंधुओं सहित तुम्हारी समस्त सेना का अंत हो चुका है रावण। तुम्हारे भी अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही तुम भी काल के गाल में समा जाओगे रावण। और तुम्हारे ये चमकते हुए स्वर्ण आभूषण तुम्हारे अहंकार के साथ ही धूल में मिल जाएंगे रावण। इन्हीं वनवासी के चरणों में पड़ी होगी तुम्हारी निर्जीव देह। धूल में तो मिलोगे तुम, तुम्हारा ये वनवासी प्रभु और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना। विद्युत अग्नि अस्त्रों उपस्थित हो। मैं इंद्रदेव का अस्त्र विद्युत अग्नि वर्षा की भांति विद्युत बाणों की वर्षा करके शत्रु को क्षण भर में समाप्त कर देता हूं। मैं मिलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। रावण, देव का प्रचंड अस्त्र, मैं प्रचंड वायु अपने प्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाकर नष्ट कर देता हूं। आज तुम अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता के साथ युद्ध कर सकते हो। तुम्हें अधर्म युद्ध से रोकने के लिए देवी तारा भी नहीं है तुम्हारे साथ। बहुअस्त्र उपस्थित हो।
मैं धन्वंतरि देव की अमृत की शक्ति से निर्मित बहुआस्त्र अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता हूँ, किंतु मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। रावण ने तो अमृत से निर्मित अस्त्र का आवाहन किया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे वनवासी। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त कर देगा मेरा यास्त्र। चंद्रास्त्र। विफल हो गया ये अस्त्र भी। अमृत से निर्मित है यह अस्त्र, इसे विफल करना सहज नहीं है वनवासी। अरे ये तो पुनः प्रकट हो रहा है। हाँ, प्रकट हो रहा है ये। देखा, इस वनवासी के बस में नहीं है मेरे अस्त्र को विफल करना। मां विनाशक है अस्त्र, और अधिक विनाश करेगा ये। और विनाश करेगा, परंतु ये तो अपने अस्त्र का वार कर चुका है। यह अस्त्र पुनः प्रहार करने वाला है। दूर हट जाओ, संभालो यह अस्त्र, संभालो, दूर हट जाओ, संभालो, ये विचित्र अस्त्र, मित्रों, हट जाओ। भैया राम को दिए हुए वचन ने हमारे हाथों को पान दिया है। हम अस्त्र भी नहीं उठा सकते, अन्यथा अन्यथा भी इसे विफल नहीं किया जा सकता। अमृत से बने हुए होने के कारण इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु, ये तो हर एक प्रहार के बाद और घातक और विशाल होता जा रहा है। आ, 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 आ,
इधर ये अस्त्र विनाश लीला रचा रहा है और उधर आकाश में भी कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही इस राक्षस राज ने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। रावण, तुमसे युद्ध करने के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे समक्ष। फिर तुमने उन निर्दोष वानरों पर प्रहार क्यों किया? निर्दोष नहीं, दोषी है वे। रण का सबसे बड़ा दोष है तुम्हारा पक्ष लेना। आज मैं लंका लौटूंगा तो तुम और तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को मिटाकर ही लौटूंगा। अब लंका का मुख्य द्वार खुलेगा तो केवल विजेता लंकेश के लिए, अन्यथा कभी नहीं खुलेगा। ये उधर तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत होगा और इधर तुम दोनों का अंत होगा। अवश्य ही आकाश से कोई बड़ी आपदा टूटने वाली है हम सब पर, किंतु क्या करूं, प्रभु को छोड़कर जा नहीं सकता, ना ही बहु अस्त्र से अपने साथियों को कष्ट पहुंचते देख सकता हूं। हनुमान, मैं रावण को संभालता हूं, तुम जाकर उन वानरों को बहु अस्त्र से बचाओ। प्रभु, आपको बिना रथ के कैसे इस प्रकार छोड़ सकता हूं मैं? रावण पुनः ऊंचाई का लाभ उठाकर आपको क्षति पहुंचाएगा प्रभु। यही नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है कि इसने किसी अन्य को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है। उसके लिए तुम चिंता मत करो हनुमान, जाओ और अपने वानर साथियों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। बहु अस्त्रा जो रावण छाड़ी, रामचंद्र की सेना प्रतारी, हनुमत चाहे कि करें सहाय, राम को छोड़ पर किस विधि जाए। प्रभु श्री राम के लिए भले ही हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उनके लिए मृत्यु प्राप्त करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाओ हनुमान, सेना की रक्षा करो, महाराज सुग्रीव की रक्षा करो। क्या करे हनुमान, रावण आक्रमण कर रहा है प्रभु पर, आकाश से भी किसी संकट के आने की आशंका है। उधर महाराज सुग्रीव आदि भी संकट में हैं। क्या करे हनुमान। जय श्री राम। क्या करूं मैं, प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता और उन्हें इस राक्षस के समक्ष वाहन विहीन छोड़कर जा भी नहीं सकता। दुविधा छोड़िए हनुमान, आप प्रभु के साथ ही रहिए। उनको दिए हुए वचन के कारण मैं अपने शस्त्र को नहीं उठा सकता, परंतु भ्राता दशानन द्वारा छोड़े गए घातक अस्त्र को बाधित अवश्य कर सकता हूँ। स्वयं को कैसे संकट में डाल लिया विभीषण जी ने। नारायण नारायण, धर्म पथ पर चलने वालों की सहायता के लिए
अनेक निष्ठेवान सहयोगी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभु सेवा में सदैव तत्पर हनुमान के अलावा प्रभु के अन्य अनुयायी भी पीछे नहीं रहते। महाराज सुग्रीव बहु अस्त्र का आघात अपने वक्ष स्थल पर सहने के लिए तैयार थे, पर विभीषण भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसे थाम कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। सत्य कहा अपने देव ऋषि, परंतु विभीषण अधिक समय तक बहुअस्त्र को नहीं रोक सकेंगे। अब तो हनुमान को ही शीघ्र अपनी द्विधा तज कर उनकी और अन्य सभी की सहायता करनी होगी। हाँ, क्योंकि भ्राता असुर विंदुन माली और उग्र दृष्टम अपनी सेना के साथ एक महासंकट बनकर बड़ी तीव्रता से उनकी ओर अग्रसर हैं और एक अत्यंत विकट समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। हनुमान को शीघ्र ही उचित निर्णय लेना होगा। हनुमान को इस असमंजस स्थिति से निकालने का उपाय क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कुपित नाग के विषदंश के समान है ये अति विनाशक महाप्रचंड अस्त्र, तुम सबका सर्वनाश कर देगा। हनुमान, विभीषण इस अस्त्र को और देर तक नहीं रोक सकेंगे, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। चिंता मत करो हनुमान, आज मैं रावण और उसकी शक्तियों को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। इस नल को परास्त करना इतना सहज नहीं। ये आकाश से प्रभु की ओर क्या बढ़ रहा है? ये तो दिव्य रथ है, परंतु किसका रथ है ये? सारथी के सिवाय इस दिव्य रथ पर और कोई आरूढ़ नहीं। ये तो मातली है, अर्थात ये तो देवराज इंद्र का रथ है। तो देवराज इंद्र ने अपना रथ भेज दिया कि मैं अपने वानर और वृक्ष बंधुओं की सहायता कर सकूं। और मेरे प्रभु उनके रथ पर आरूढ़ होकर इस दुष्ट राक्षस से युद्ध करते रहे। इंद्र और अन्य देवता इस वनवासी की सहायता करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस युद्ध के पश्चात उचित पाठ पढ़ाना होगा उन्हें भी, परंतु ये वनवासी अभी इस रथ का लाभ उठाए उससे पूर्व ही मुझे इसे नष्ट करना होगा। देवराज ने बड़ी आशा के साथ मुझे यहाँ भेजा है। आपके निर्णय के अनुसार कोई भी देवता युद्ध में आपके सहायक नहीं बन सकते, परंतु आप उनके रथ का तो उपयोग कर सकते हैं। मुझे देवराज इंद्र का रथ स्वीकार है। बहुअस्त्र और प्रचंड होता जा रहा है, प्रभु सहायता करें। महाराज विभीषण, हनुमान,
कोई दुविधा नहीं जो तुम्हें रोक सके। जाओ मानरों की रक्षा करो, सहायता करो उनकी। जो आज्ञा प्रभु। इससे पूर्व ये वानर अपने साथियों की सहायता करें, मैं इन दोनों को समाप्त कर दूंगा और नष्ट कर दूंगा इनका ये रथ भी। दुविधा हो तो व्यक्ति को वर्तमान कार्य को छोड़कर अन्य कार्य का उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहिए, अभी तो धैर्य और सूझबूझ से कार्य पूर्ण करना चाहिए।